नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रविवार को पाकिस्तान के सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की गोली लगने से मौत हो गई। मौलाना तारिक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस खबर की खुद ही पुष्टि भी की और कहा कि इस आकस्मिक मौत से परिवार बहुत दुखी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल जिले में मौजूद तुलंबा तहसील में रहने वाले असीम जमील को गोली लगने के बाद तुरंत अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौलाना तारिक जमील ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि दुख की इस घड़ी में आप सभी हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में ऊंची जगह दे। लेकिन तारिक जमील के बेटे की मौत को लेकर अभी तक भी सस्पेंस बना हुआ है। पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि जमील ने आत्महत्या की और खुद को गोली मार ली, जबकि सोशल मीडिया पर और भी तमाम तरह के दावे इस मौत के ऊपर किए जा रहे हैं, जिनमें इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जिससे ये पुष्टि होती है कि असीम जमील को खुद अपने सीने में गोली मारते देखा जा सकता है। पुलिस महानिरीक्षक ने घटना का संज्ञान लिया और मुल्तान आरपीओ से रिपोर्ट भी मांगी। पुलिस के बयान में कहा गया कि खानेवाल जिला पुलिस अधिकारी और अन्य वरिष्ठ कर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने वहां से सबूत इकट्ठा किए। पाकिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सरफराज बुगती ने भी इस घटना पर अफसोस जताया। मौलाना तारिक जमील को आपने अक्सर सोशल मीडिया पर तैरती वीडियोज और रील्स में देखा होगा। वो भारत के खिलाफ भी बहुत जहर उगलता रहता है। पाकिस्तानी युवाओं को 72 हूरों की मनगढ़ंत कहानी सुनाने वाले तारिक जमील का कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो कहते हुए दिख रहा था कि लोग धरती पर शराब से तौबा कर लें तो उन्हें जन्नत में शराब खुद अल्लाह पिलाते हैं। तो ये थी मौलाना तारिक जमील और उसके बेटे की सस्पेंसफुल मौत से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।